हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक है। आज आपके सामने मैं लाया हूँ आहूजा SPA-10000 एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर की पैकिंग बॉक्स है। अब चलते हैं एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन, क्लोज लुक और ओवरव्यू की तरफ। आहूजा SPA-10000 1000 वाट का मोनो एम्पलीफायर है जो PA सीरीज में आता है। ये एम्पलीफायर 1000 वाट RMS, 1300 वाट मैक्सिमम RMS पावर प्रोवाइड करता है, ये कंपनी ने मेंशन किया है। इस एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 50 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक। ये एम्पलीफायर हेवी वेटेड एम्पलीफायर में से है। इसका वेट अप्रोक्स 40 kg है। ये एम्पलीफायर आहूजा की बहुत ही सक्सेसफुल एम्पलीफायर में से एक है। आप देख रहे हो ये एम्पलीफायर की फ्रंट व्यू है। आप देखते हैं फ्रंट व्यू में कैसा इंटरफेस है। इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस 40,000 है। ये एम्पलीफायर की मेन ऑन ऑफ स्विच है। ठीक ऑन ऑफ स्विच का ऊपर ही पावर ऑन इंडिकेटर है। उसके ऊपर है AC रिसेट स्विच और ये AC फॉल्ट इंडिकेटर है। ठीक उसके पास ही DC फॉल्ट इंडिकेटर भी है जो पीछे DC MCB से लगा हुआ है। अब आते हैं मास्टर वॉल्यूम के बारे में। इस वॉल्यूम से ही एम्पलीफायर की आवाज़ ज़्यादा या कम होता है और ये वॉल्यूम रोटरी टाइप का होता है। आप देख रहे हो ये वॉल्यूम रोटरी टाइप का है। अब आते हैं एम्पलीफायर की बेस वॉल्यूम की तरफ। ये बेस वॉल्यूम 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को -10 dB तक काट या +10 dB तक बूस्ट करता है। इस वॉल्यूम को डाउन करने से काट और अप करने से बूस्ट होता है और अगर मिडिल में रखते हैं तो फ्लैट हो जाता है आवाज़। ठीक बेस के पास ही है ट्रिबल का वॉल्यूम। इस वॉल्यूम से 10 kHz फ्रीक्वेंसी को -10 dB तक काट या +10 dB तक बूस्ट कर सकते हैं और मिडिल में रखने से आवाज़ फ्लैट हो जाता है। ठीक उसके पास ही है आउटपुट लेवल इंडिकेटर जो -13 dB से +2 dB तक जाता है। इसमें 10 LED लगा हुआ है जो आउटपुट लेवल को दिखाता है। अब आते हैं बॉक्स स्पीकर और ड्राइवर यूनिट की स्विच की तरफ। आप अगर इस एम्पलीफायर से डायरेक्ट बॉक्स चला रहे हैं तो आप बॉक्स स्पीकर में सिलेक्ट करिए और अगर इस एम्पलीफायर से आप ड्राइवर यूनिट चला रहे हैं तो ड्राइवर यूनिट की तरफ सिलेक्ट कीजिए। इस स्विच को बॉक्स की तरफ करने से बेस बूस्ट होता है और बेस का पंच भी अच्छा होता है। और इस स्विच को ड्राइवर यूनिट साइड करते हैं तो बेस काट हो जाता है और ड्राइवर यूनिट सेफली परफॉर्मेंस करता है। मेन बात है अगर आप बॉक्स चला रहे हो तो बॉक्स की तरफ और ड्राइवर यूनिट चला रहे हो तो इस स्विच को ड्राइवर यूनिट की तरफ रखना पड़ता है। सामने की तरफ ये है आहूजा की बैंडिंग। ये सुपर पावर एम्पलीफायर सीरीज में आता है और इसका मॉडल नंबर है SPA-10000। ये एक 1000 वाट का मोनो एम्पलीफायर है। इसके सामने की तरफ दो हैवी हैंडल दिया हुआ है आहूजा कंपनी ने। ये एम्पलीफायर बहुत ही वेट एम्पलीफायर है
इसलिए इसका हैंडल भी बहुत ही हेवी है। ये था एम्पलीफायर की फ्रंट इंटरफेस। अब चलते हैं बैक साइड पर। दोस्तों ये है एम्पलीफायर की बैक व्यू। आप देखते हैं बैक व्यू में क्या क्या देखने को मिलता है। ये है मेन एसी पावर कॉर्ड जो 16 एम्पियर सॉकेट में प्लग इन होता है और ये फॉलकॉन कंपनी का बना हुआ है। बहुत ही हेवी कॉर्ड है। ये एम्पलीफायर फुल लोड से चलने से 1600 VA का पावर कंज्यूम करता है, एक कंपनी ने मेंशन करके रखा है। और इस एम्पलीफायर का बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 240 वोल्ट 50 से 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी का एसी इनपुट देना पड़ता है। ये एम्पलीफायर बैटरी से भी चल सकता है। 4 कार बैटरी को सीरीज में लगा के 48 वोल्ट डीसी पावर बना के इसमें इनपुट दे सकते हो। ये है बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये है बैटरी का माइनस टर्मिनल। इसके बाद आते हैं एम्पलीफायर की डीसी प्रोटेक्शन की तरफ। डीसी प्रोटेक्शन के लिए कंपनी ने एक डीसी एमसीबी लगा हुआ है। 32 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है। अगर एम्पलीफायर ओवरलोड हो जाता है तो डीसी एमसीबी ट्रिप हो जाता है और इस एमसीबी से ही सामने की तरफ एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो डीसी ओवरलोड को दिखाता है। आप देख सकते हो एमसीबी के नीचे की तरफ ऑफ लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ ऑन लिखा हुआ है। ये है एम्पलीफायर की अर्थ टर्मिनल। इसको ग्राउंड से कनेक्ट करके चला सकते हो एम्पलीफायर को। ये है एम्पलीफायर की इनपुट सेक्शन। इसमें बैलेंस और अनबैलेंस इनपुट दोनों ही दे रखा है कंपनी ने और इसका ठीक पास ही आउटपुट सॉकेट है। एम्पलीफायर को किसी भी इनपुट में इनपुट देके आउटपुट से आप आउटपुट आदर्श एम्पलीफायर के लिए ले सकते हो। देख रहे हो ये 200 मिली वोल्ट और 1 वोल्ट का एक सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है इनपुट में। आप अगर 200 मिली वोल्ट पे इनपुट स्विच सिलेक्ट करते हो तो सामने का बेस टेबल काम करेगा और बहुत अच्छा सा 5 एम्पलीफायर में आएगा। और अगर इस स्विच को 1 वोल्ट में कनेक्ट करते हो तो सामने का बेस टेबल काम नहीं करेगा। ये स्विच मिक्सचर से एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए होता है। आप अगर एम्पलीफायर को मिक्सचर से कनेक्ट किया है तो स्विच को 1 वोल्ट की तरफ सिलेक्ट करके ड्राइव कीजिए। इसके अलावा भी एक इनपुट इसमें है जो है 100 वोल्ट लाइन इनपुट। किसी दूसरे एम्पलीफायर से 100 वोल्ट लाइन आउटपुट लेके इस एम्पलीफायर में इनपुट दे सकते हो। ये इनपुट कंपनी ने बहुत दूर तक काम करने के लिए बनाया है। एक एम्पलीफायर से डाइवर यूनिट बहुत दूर तक लगाने के बाद इसमें 100 वोल्ट इनपुट देके और बहुत दूर तक डाइवर यूनिट को लगा सकते हो। अब आते हैं एम्पलीफायर की लाइन आउटपुट टर्मिनल की तरफ। आप देख रहे हो ये लाइन आउटपुट टर्मिनल है जिसमें 100 वोल्ट 70 वोल्ट और 100 वोल्ट लाइन आउटपुट लिखा हुआ है। इस टर्मिनल से आप LMT मैच करके डाइवर यूनिट को चला सकते हो। अगर आपकी डाइवर यूनिट की दूरी कम है तो आप कॉमन 70 वोल्ट में लगा के चला सकते हो और अगर आपकी डाइवर यूनिट की दूरी ज़्यादा है तो आप कॉमन या 100 वोल्ट में लगा के चला सकते हो। ये टर्मिनल लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर के लिए ही बना हुआ है। अब आते हैं एम्पलीफायर की ओहम्स मैचिंग टर्मिनल पर। ये देख रहे हो ये है एम्पलीफायर की ओहम्स मैचिंग टर्मिनल जिसमें कॉमन 2 ओम्स और 4 ओम्स आउटपुट होता है।
आप अगर दो स्पीकर चला रहे हो तो कॉमन 4 ओम्स में दे के चला सकते हो, और अगर आप 4 स्पीकर इसमें कनेक्ट किया हो तो कॉमन 2 ओम्स में लगा के चला सकते हो। मैं इसमें 4 15 इंच का 300 वाट स्पीकर लगा के चलाता हूँ, इसीलिए मैं कॉमन और 2 ओम्स में लगा रखा हूँ। एम्पलीफायर की बैक साइड में आहूजा ने आहूजा का बैंडिंग दे रखा है और इसका मॉडल नंबर मेंशन करके रखा है। इसका मॉडल नंबर है ASPA 10000 और इसका सीरियल नंबर मेड इन इंडिया आहूजा रेडियो देख सकते हो, और ये पंचिंग प्लेट में लिखा हुआ है। ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है आहूजा दिल्ली का, देख सकते हो फ्रेंड्स। इसका पीछे साइड में दोनों तरफ हीटसिंक लगा हुआ है, जिसके अंदर 3 इधर और 3 इधर रेक्टिफायर लगा हुआ है, और इस हीटसिंक का काम है रेक्टिफायर को ठंडा रखना। अब चलते हैं एम्पलीफायर की इंटरनल पार्ट्स की तरफ। मैं पहले से ही इसका नॉट खोल के रखा हूँ, जिसको खोलने में आसानी हो। देख रहे हो एम्पलीफायर की ऊपर में भी दोनों हैवी हैंडल दे रखा है आहूजा वालों ने, क्योंकि ये एम्पलीफायर बहुत ही वेटेड एम्पलीफायर है और बहुत ही हैवी है। इसका ऊपर का ढक्कन पूरा नेट टाइप का बना हुआ है, जिसमें अच्छी सी एयर पासिंग हो पाए। ये है इंटरनल पार्ट्स की ओवरव्यू। इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसे है आप देख सकते हो। ये है एम्पलीफायर की मेन पावर ट्रांसफार्मर, इसको ट्रायड्रल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। बहुत हेवी और बड़ा ट्रायड्रल ट्रांसफार्मर है ये, आप देख सकते हैं आहूजा की बैंडिंग है। इस ट्रांसफार्मर से 4 आउटपुट निकलते हैं, 2 ब्लू और 2 ऑरेंज वाला आउटपुट निकलते हैं, और यह है इनपुट के तार। ये ऑरेंज वाला इनपुट निकल के 2 ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर का नंबर है 3510, और ये ब्लू वाला भी ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है 2 रेक्टिफायर में। चारों रेक्टिफायर मिलके ट्रांसफार्मर की एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करके फिल्टर में फिल्टर होने को भेजता है। इसमें 4 फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, और इस फिल्टर कैपेसिटर का वैल्यू है 10,000 माइक्रोफेरेड 80 वोल्ट का। ये सभी फिल्टर कैपेसिटर इन कैप का बना हुआ है। आहूजा पहले इन कप का फिल्टर कैपेसिटर यूज़ करता है। ये है आउटपुट ट्रांसफार्मर, इसी से लाइन आउटपुट और ओम्स मैचिंग टर्मिनल आउटपुट निकलता है। अब देख रहे हो कॉमन 4 ओम्स 2 ओम्स कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट टर्मिनल यही से निकलता है, और उधर का दो साइड का ट्रांजिस्टर का वायर आके कनेक्ट होता है। कॉमन और 4 ओम्स की टर्मिनल पर एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है, जिसका वैल्यू है 1K 15 वाट।
ए है 200 मिली वोल्ट और 1 वोल्ट का सिलेक्टर स्विच जो इनपुट सिग्नल में लगा हुआ है, और इस वायर में 100 वोल्ट और 0 वोल्ट का लाइन इनपुट है। ए है डीसी प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी। इस एम्पलीफायर में बैटरी से प्रोटेक्शन के लिए 2 ब्रिज रेक्टिफायर अलग से लगाया हुआ है। इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम है बैटरी टर्मिनल को अगर रॉन्ग भी लगा देते हो तो एम्पलीफायर को ख़राब होने से बचाता है। इस एम्पलीफायर में 24 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक साइड 12 और एक साइड 12 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक एक प्लेट में 3-3 ट्रांजिस्टर को लगाया हुआ है। इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 2SP5200 और इसमें जो इमीटर में रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है 39 ओम्स 15 वाट का। 3 ट्रांजिस्टर एक हीट सिंक प्लेट में लगा हुआ है, ऐसा करके 4 हीट सिंक प्लेट को एक साथ लगाया है एक साइड में। ये हीट सिंक बहुत ही मोटी और हेवी एल्युमिनियम प्लेट से बना हुआ है और इसका काम है ट्रांजिस्टर को ठंडा रखना। इस साइड पे भी सेम ऐसी 12 ट्रांजिस्टर को लगा के बना हुआ है। इसका नंबर भी सेम है 2SP5200 और इमीटर रेजिस्टेंस भी सेम है 39 ओम्स 15 वाट का। दोस्तों आप आते हैं एम्पलीफायर की मेन ड्राइवर बोर्ड की तरफ। ये है मेन ड्राइवर बोर्ड, इसी से पावर ट्रांजिस्टर ड्राइव होके सिग्नल बना रहा है। दोस्तों आहूजा कंपनी की हर एक कंपोनेंट, हर एक बोर्ड, हर एक पार्ट्स का क्वालिटी बहुत बेहतरीन होता है, इसलिए सालों साल चलते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। ये है अंदर का फिटिंग और टेस्ट कार्ड। इसमें एक एसी प्रोटेक्शन के लिए स्विच लगा हुआ है और इसके ठीक पास ही बेस टेबल बोर्ड है और आउटपुट लेवल इंडिकेटर वाला बोर्ड है। कंपनी बोलता है ये एम्पलीफायर 1000 वाट आरएमएस का है और 1300 वाट मैक्सिमम आरएमएस का है, लेकिन इसमें 1600 से 1800 वाट लोड आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप भी अपना एम्पलीफायर खोले है तो एक बार ब्लोअर ज़रूर मार लेना, क्योंकि धूल मिट्टी जो जमा होता है वो एम्पलीफायर को धीरे धीरे ख़राब करता है। ये है एम्पलीफायर की लाइव परफॉर्मेंस और साउंड टेस्ट। मैं एनसीएस का गाना प्ले कर रहा हूँ, कॉपीराइट की वजह से मैं हिंदी गाना चला के नहीं दिखा सकता हूँ। आप जानते हो बहुत कॉपीराइट आते हैं हिंदी गाने में। मैं एक पेन ड्राइव यूएसबी प्लेयर में लगा के उससे सिग्नल आउटपुट लेके इसका इनपुट में देके प्ले कर रहा हूँ। इसका साउंड का क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। इसका बेस का पंच भी अच्छा है। आप अगर हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो आप समझ सकते हो इसका बेस का पंच कैसा है। इसका ट्यूबवेल का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ट्यूबवेल खोल कर आता है एकदम। मैं इस एम्पलीफायर के संग एक स्टेबलाइजर कनेक्ट करके रखा हूँ और स्टेबलाइजर से पावर दे रहा हूँ। आप भी अपना एम्पलीफायर स्टेबलाइजर से हमेशा कनेक्ट करके चलाना, और देख सकते हो इस टॉप को मैं कनेक्ट करके रखा हूँ एम्पलीफायर से, जो कि प्री ऑडियो टिपिल टू 6 स्पीकर में है और 750 हॉर्न में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमेशा हंसते खिलते और मुस्कुराते रहिए, यही आशा करता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।